डैडी ये कितना कूल है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शूटिंग की लोकेशन पे आई हूँ। बेटा जब तुम 9 साल की थी तब तुम यहाँ पहले आ चुकी हो। अच्छा, एट प्रेजेंट आई एम फीलिंग सो ऑसम। टू सी दिस प्रॉपर्टीज, शहर में तो ऐसे बंगलो करोड़ों के होते। आपके दद्दू ने बनाए थे? नहीं तो? पर दादा ने। ग्रैंडपा के पा? यस। ओ तुम इसे अंदर ले जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। आइए चलो। कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, एकदम पॉजिटिव फील है। लगता है आज बहुत अच्छे से नींद आएगी। जल्दी से क्यों नहीं आती? अरे सांझी, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारे प्यार में तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था। आओ ना, बैठो। अरे वो क्या करूँ, सपना मालकिन मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से पीछा छुड़वा के आई हूँ। बोल रही थी मेरे साथ ही कमरे में सो, लेकिन जैसे तैसे मैं उनको समझा के यहाँ पे आई। वैसे आपने मेरे पति को गांव क्यों भेज दिया? वो यहाँ रहते भी तो मैं जैसे तैसे तुमसे मिल ही लेती ना। तुम कौन हो? तुमने ही मुझे बुलाया और तुम ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? अपने सपने में अपने प्यार को तो पहचानो। मैं तुम्हारा करण। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, तुम्हें छूना चाहता हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगी? क्या कर रहे हैं? सपना उठ जाए। सपना तो अभी सो रही है। ये तो हमारे प्यार करने का टाइम है, और सच पूछो तो मैंने इस बार तुम्हें मिस बहुत किया। आज तुमको मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोना ही होगा। थोड़ी हिम्मत रहेगी मुझे। वो क्या है ना, एक्चुअली नया लोकेशन है और थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है और अकेले फील होता है। और तुम्हें पता है कि मैं बीमार हूँ, मुझसे अकेले सोया नहीं जाता, तो प्लीज रात को तुम मेरे साथ सोना।